हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और आज मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, आज मैं आप लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देने आया हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी ईद का त्यौहार बहुत ही अच्छी तरीके से मनाएं, बहुत ही खुशियों के साथ मिठाई खाते हुए, चाहे वो किसी भी समुदाय, किसी भी कम्युनिटी का हो, आप ईद के त्यौहार को एंजॉय करिए। और मेरी तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दोस्तों, हर त्यौहार में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप एक घंटे का समय निकाल सकते हैं तो एक घंटे का समय निकालिए, और वो एक घंटे का समय आप कुछ गरीबों के साथ बिताइए। जैसे कि आज ईद का त्यौहार है, तो आप एक घंटे का समय निकाल करके उन गरीबों के साथ ईद मनाइए जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। आपको अपने घर के दो गली छोड़ करके कोई ना कोई गरीब जरूर दिख जाएगा। भारत में बहुत गरीब हैं, 30 से 35 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। तो आपके घर के आसपास बहुत सारे गरीब लोग मिल जाएंगे जो सक्षम नहीं है, त्यौहार नहीं मना सकते, तो आप उनके साथ आप त्यौहार मनाइए। सिर्फ एक घंटे का समय निकाल करके अगर आप उन्हें कुछ खाने के लिए दे सकते हैं तो खाने के लिए दीजिए। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मेरी कम्युनिटी का त्यौहार नहीं है या मेरी कम्युनिटी के से बाहर है ये त्यौहार। तो देखिए, त्यौहार कभी भी किसी कम्युनिटी की मोहताज नहीं होती, त्यौहार सभी के लिए होता है। जो त्यौहार होता है वो सभी के लिए होता है। ईद सभी के लिए होती है, होली सभी के लिए होती है, दीपावली सभी के लिए होती है, ठीक है। तो कोई भी त्यौहार किसी कम्युनिटी का मोहताज नहीं होता। आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस रमज़ान को मैंने दो बार रोज़े रखे हैं, ज़्यादा तो नहीं रख पाया मैं, मुझे पढ़ाना भी होता था, खुद पढ़ना भी होता था, इसके साथ साथ मैंने दो रोज़े रखे हैं। और जितने लोगों को ये बात पता चली है, उन्होंने आकर के मुझे गले से लगाया है। ये हमारी जनरेशन के ऊपर निर्भर है कि हम आने वाली जनरेशन को क्या सिखाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जनरेशन एक अच्छे इंडिया का निर्माण करें, तो आपको आज से अपने आप को बदलना होगा, ठीक है। आपकी खुशी किसी भी कम्युनिटी की मोहताज नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी बहुत कम है, तो आप इन्हें देखकर क्या कहेंगे। इन्हें एक बार देखिए और अपने दिल में महसूस करिए। हो सकता है आपके पास साधन ना हो, आपके पास संसाधन ना हो, पर आपके दिल से इच्छा है कुछ करने के लिए, तो आप बस इतना सा कर सकते हैं कि अपने घर के आसपास प्याऊ ही लगवा दीजिए, ठीक है। बस एक घड़े की जरूरत होगी आपको, जिससे बाहर के आने जाने वाले लोग अपनी प्यास मिटा सकें। आपको पता है कि आप अपने घर में थोड़ी सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको एसी, कूलर या पंखा चाहिए। आप उन लोगों के बारे में जरा सोचिए जो आज कड़ी धूप में बाहर मजदूरी कर रहे हैं या बाहर किसी लेबर का काम कर रहे हैं, उनके बारे में जरा आप सोच के देखिए। आई नो दैट वन पर्सन कैन नॉट चेंज अवर नेशन, बट एट लीस्ट वी हैव टू इनिशिएट टू चेंज द वर्ल्ड। मुझे पता है एक अकेला व्यक्ति पूरे देश को नहीं बदल सकता, पर हम लोग कुछ स्टेप उठा सकते हैं कुछ चेंज करने के लिए। कुछ भी छोटा सा बदलाव करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं स्टेप उठा सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तो मेरे पास मुश्किल से चार सब्सक्राइबर थे। आज 900 सब्सक्राइबर हैं। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने एक निशेट स्टार्ट किया कि मैं पढ़ाऊँगा और फ्री में पढ़ाऊँगा। एक क्वालिटी कंटेंट देना मेरी बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी कि मैं उन बच्चों को एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूं जो दिल्ली नहीं आ सकते, जो लखनऊ नहीं आ सकते, जो मेट्रो सिटी नहीं। अगर आप फ्री में नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन आप इतनी कम उनसे पैसे लीजिए जिससे वो अपना भी सरवाइव कर सके। आपको पता है जब कोई एक पर्सन किसी मेट्रो सिटी में जाता है तो उसके खाने के लिए, उसके रहने के लिए, उसकी किताबों के खर्च के लिए उसके कई तरह के खर्च लगते हैं। उन सबका खर्चा मिला करके करीब 10 से 15 हज़ार रुपये मंथली आता है। एक किसान अपने बेटे के लिए इतना खर्च कैसे उठा सकता है। एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया गया है, आप इसे पढ़िएगा। वन पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस, वन पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस एंड एवरीवन शुड ट्राई। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन छोटा सा ही क्यों ना डिफरेंस पैदा कर सकता है, और सभी लोगों को उसको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। सभी लोगों को मिलकर के उसकी मदद करनी चाहिए। मैं चाहता तो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकता था, पर मैंने YouTube इसलिए चुना ताकि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जिनके पास फीस नहीं है। आप भी छोटा सा ही क्यों ना कदम उठाएं, पर कदम जरूर उठाएं ताकि वो आगे जा करके हो सकता है 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद आपको अपने डिसीजन पे बहुत नाज हो। आज के लिए बस इतना ही मेरा छोटा सा संदेश था। हो सकता है वीडियो बड़ी हो गई हो,
तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, और आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बाय बाय।